हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जिस सिंबल के लिए बात करेंगे वो है हमारा दिस सिंबल। इस सिंबल का जो मीन्स होता है वो होता है देयर एग्जिस्ट्स, मीन्स किसी की उपस्थिति को बताए। क्लियर? इसको हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने ए आपको 1, 2, 3, 4 ये सेट लिया, ओके। यहां पर हम एक लैंग्वेज लिखते हैं, उसको हमें समझना है। देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2, ओके। अब देखो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, मतलब इस लैंग्वेज को नोटेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो देयर एग्जिस्ट, इसके प्लेस पर तो हम ये उल्टा ई इस तरीके से, ये इसके प्लेस पर हम ये ई लिखेंगे, ओके। देयर एग्जिस्ट का नोटेशन होता है, ओके। फिर एक्स इन ए, आप ये ही लैंग्वेज यहां पर अभी लिख सकते हो, एक्स इन ए सच दैट सेम लिखा मैंने ऐसा, एक्स इज इक्वल टू 2। और अब मैं आपको इसको भी और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखो हम जानते हैं कि इस नोटेशन को, देयर एग्जिस्ट को हमने इस नोटेशन से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया। एक्स इन ए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बिलोंग टू ए, ओके। सच दैट का नोटेशन जो होता है ये सिंबल होता है, ये सिंबल, ओके। तो हम देखो इस पूरी लैंग्वेज को हम नोटेशन के थ्रू लिख रहे हैं, देयर एग्जिस्ट, ये नोटेशन आ गया, एक्स बिलोंग टू ए सच दैट के प्लेस पर ये सिंबल, ये टू पॉइंट आ जाएगा और एक्स इज इक्वल टू 2, ओके। तो इस पूरी लैंग्वेज को आपने क्या लिख दिया, आपने इस पूरी लैंग्वेज को इस नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। और यही नोटेशन हम मैथ में यूज करते हैं, ये सब ना लिखकर हम क्या करेंगे, नोटेशन का यूज करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लिखने में ज्यादा समय लगता है और इसको लिखने में कम समय लगता है, इसलिए हमें समय को देखते हुए नोटेशन का यूज करना होता है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4, इसको आप कैसे लिखोगे, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट ये यूज कीजिए, एक्स बिलोंग टू ए ये यूज कीजिए, सच दैट के प्लेस पर ये नोटेशन यूज कीजिए और एक्स इज इक्वल टू 4 इज करेक्ट, ओके। अगर हम ये लिखना चाहते हैं, जैसे देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1, तो आप ये सब ना लिखकर नोटेशन की फॉर्म में लिखिए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम मैथ में नोटेशन का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, इसीलिए आपको ये नोटेशन याद रखने हैं, ओके। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।